अब एक जमाना था जबकि करेंसी टेराकोटा के मिट्टी के कॉइन बनते थे, दुनिया चलती थी। वक्त वो बदल गया तो कभी तांबे के सिक्के आए, कभी चांदी के आए, कभी सोने के आए, कभी चमड़े के आए, धीरे धीरे करके कागज के आए। अब ये बदलाव हम ही लोगों ने स्वीकार किया युग के अनुसार। अब वक्त आ चुका है कि अब कागज वाली करेंसी का वक्त जा रहा है, अब डिजिटल करेंसी हमको हमारे स्वभाव को बनाना पड़ेगा। मैं इन दिनों खास करके 8 नवंबर के बाद जिस क्षेत्र का मेरा कोई अनुभव नहीं था उसमें जरा ज़्यादा इंटरेस्ट लेने का मौका आया डिजिटल करेंसी के लिए। डिमोनेटाइजेशन का दिन था 8 नवंबर और मैंने अनुभव किया कि नोट छापना, उसको सुरक्षित रखना, उसको पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन अरबों खरबों रुपया का खर्च है जी। एक एटीएम को संभालने के लिए, एक एटीएम को संभालने के 6-6 पुलिस वाले लगते हैं जी, जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। जेब में एक करेंसी ना हो तो भी आप अपना गुजारा कर सकते हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है। हम अगर जैसे सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के भीम ऐप बनाया है, 1 रुपये का खर्चा नहीं है, आप अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कीजिए, सामने वाले के पास हुआ अपना कारोबार शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश के अरबों खरबों रुपये से अगर बचेंगे तो किसी न किसी गरीब के घर बनाने के लिए, गरीब बच्चे को शिक्षा देने के लिए काम आने वाला है।